हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे और खूब सारा व्यस्त होंगे। तो आज फिर से हम लोग निकल पड़े हैं नए तरीके से दुबई घूमने के लिए। जी हम लोग जैसे हमेशा कार में घूमते हैं, तो मैं अभी मेट्रो से घूमने का मेरा शौक जगा हुआ है। लास्ट एक बार मैंने और उनमें गई थी तो आपसे शेयर किया था, बरदुबई की तरफ हम लोग गए थे। तो इस बार हम लोग मरीना की तरफ चलते हैं। तो मेट्रो से, ट्रैम से, मोनोरेल से, कैसे कैसे क्या क्या है कनेक्शन और क्या क्या, मतलब धीरे धीरे हम लोग अभी सीख रहे हैं ऐसे देख देख के, पढ़ पढ़ के। और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और जैसे टूरिस्ट लोग घूमते हैं ना मोस्टली, तो दुबई तो टूरिस्ट ही प्लेस है, तो वैसे घूमने का मज़ा कुछ और है। तो वैसे घूमूंगी और क्या क्या है कैसे कैसे मैं बताऊंगी आपको और दिखाऊंगी। और मेरे साथ चलिए दुबई की सैर करने, आप लोगों को मज़ा आएगा, अच्छे अच्छे लोकेशन देखने को Next मिलेगा। station is Shobha Realty. This is interchange station to Dubai Tram. Passengers traveling to Jumeirah Beach, please interchange to tram at Shobha Realty Metro Station. अभी हम लोग मोनो रेल में चलेंगे, ट्राम ट्राम नहीं मोन, अच्छा ट्रैम, ट्रैम में चलेंगे फर्स्ट टाइम। ट्रैम में पहली बार बैठे जा रहे हैं हम लोग। तो ये वाला देखो शेख जायद रोड है, मरीना सुफा, मरीना ट्रैम। ये अभी हम लोग ट्रैम में आ गए। The next station is Jumeirah Beach Residence 1. तो समय को ध्यान में रखते हुए इस टाइम पे हम लोगों ने मास्क पहना हुआ है। तो मास्क पहनने की जैसे आदत थोड़ी सी भी छूटती जा रही थी, लेकिन फिर से मास्क पहनना चाहिए, पहनना ज़रूरी भी है। हर जगह पे चीज़ें अभी थोड़ी सी, केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा शुरू में हम लोग तो मास्क लगाए ही थे, जैसे मेट्रो में ट्राई किया कि ना मास्क लगाए रहें। और कितना अच्छा व्यू है देखिए, मेट्रो जैसे सिटी के अंदर से ऐसे मुड़ रही थी ना ये ट्रैम, एकदम अंदर अंदर जब जा रही थी ना, तो बड़ा अच्छा सा व्यू आ रहा था। और देखिए बच्चे बस देख रहे हैं। देखिए यहाँ से ये शुरू है, मतलब मुझे लग रहा है कि मेट्रो का तीन बोगी ही होगा ना, दो या अच्छा एक ही, एक ये है, एक ये है, तीन चार करके ऐसे ही है। बहुत अच्छा लग रहा है। मास्क नहीं अलाउ है निकालना हम लोगों को, और ये लोग इधर आके बैठ गए हैं। ये देखिए कैसा लग रहा है तू महाराज, ट्रेन में बैठ के पहली बार। मरीना मॉल आ गए हैं। ये देखिए ट्रेन कैसी होती है, छोटी होती है, मतलब ये यहाँ से तो अभी दिख नहीं रही है ना। यहाँ पे देखिए ये मेट्रो जा रही है, और ये यहाँ पे ट्रैम गई है, और ये यहाँ पे हम हैं। और अभी हम लोग चल रहे हैं मरीना मॉल। मरीना मॉल का पूरा एरिया देखेंगे कैसा क्या है, कितना घूमते, ऐसे भी घूमने का मज़ा होता है। दुबई तो टूरिस्ट का प्लेस है, तो हम लोग भी आज टूरिस्ट की तरह घूम रहे हैं, और अच्छा लगता है कभी कभी। हस्बैंड ने बोला है कहीं से भी मैं आप लोगों को उठा लूँगा, तो बस कहाँ पे तो पाम जो मेरा मोनो, अच्छा मोनो रेल ट्रैम। तो आज हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, मोनो रेल ट्रैम। और बच्चों को इन सब चीज़ों का बहुत मतलब एक्साइटमेंट रहता है, खुश भी बहुत होते हैं, हमेशा कार से घूमते रहते ना। इतने देर में हम लोग पहुँचे ना, इतने देर में तो आराम से बहुत पहले पहुँच गए होते, लेकिन कार का और इन सब चीज़ों का मज़ा अलग है। तो चलिए दोस्तों, जो भी होगा आपसे शेयर करेंगे। और बच्चे देखिए कितने खुश हैं, ये देखिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मरीना मॉल में, ये देखिए आ चुके हैं। अभी सामने है मरीना मॉल, वन ऑफ द फेवरेट मॉल सभी का, दुबई का काफ़ी फेमस मॉल, हम लोग बहुत कम आते हैं। आपको कैसा लगा? अभी फिर से अगर ट्रैम आए ना तो यहाँ से पूरा दिखाई देगा, अंदर से स्टेशन में नहीं दिख रहा था। तो अभी हम लोग यहाँ से इस वाले ब्रिज से मॉल के अंदर चलेंगे। ये देखिए मरीना मॉल, ये
ये देखिए ट्रैम आ रही है, मैंने सोचा आपके लिए ट्रैम का वीडियो ले लेते हैं। ये देखिए, ये देखो, ये देखो, वाह, एक्सपो वाली है। चलो बाय। तो पूरा हम लोग इसका फोटो ले लिए हैं, तो हम लोग भी अभी टूरिस्ट एक्सपर्ट बन रहे हैं दुबई में। घूमना आना चाहिए भाई, ऐसे कुछ कोई पूछता है तो भी नहीं बता पाते ना हम लोग। तो अभी यहाँ पे हम लोग ऊपर चल रहे हैं, चलो चलो चलो, फोटो ले लिया। अभी सीढ़ी है यहाँ पे, ऐसा बाप रे बड़ा ऊपर है यार। मरीना मॉल, लेट्स गो। इजी है, हद्दू कह रहे हैं इजी है। ए, शेर मेरा, यहाँ से देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है ना। और वो देख रहे हो, वहां से साइकिल भी ले सकते हो, ये वाला एरिया से साइकिल ले सकते हो, पूरा एरिया साइकिल से घूम सकते हो। तो अभी आप सब देख लो, थोड़े दिन बाद अकेले घूमना शुरू करना है। ना अद्दू, अद्दू के साइज की साइकिल नहीं मिलती क्या है? अद्दू को अभी पेरेंट्स के साथ ही घूमना पड़ेगा। हेलो मरीना मॉल, अरे वाह, कुछ दिख रहा है तू? क्या दिख रहा है? वाह, क्रिसमस ट्री। खुश, ये देखो अद्दू महाराज एकदम खुश हो गए हैं यहाँ पे आके। क्रिसमस ट्री ये देखो, इतना तो सुंदर क्रिसमस ट्री लगा हुआ है अद्दू। वाह मरीना मॉल, ये बहुत पहले से ये हमेशा डेकोरेटेड रहता है ऐसा ना, लाइट वाला। अच्छा लगा? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a dear Adu. Happy New Year. यहाँ पे सैंटा आते होंगे फोटो के लिए ना। वाह, बहुत प्यारा सा है अद्दू महाराज। तो अभी हम लोग हैं मरीना मॉल में और थोड़ा फ्रेश हो गए हैं, वॉशरूम यूज़ किया हम लोगों ने, और हम लोगों को जाना तो बाहर ही है। तो मरीना मॉल के दूसरी तरफ तो मस्त जुमेरा लेक टावर्स, मरीना बीच, बड़ा सुंदर सुंदर सब कुछ है और बोटिंग भी होती है। तो सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे। मरीना मॉल तो मॉल भी है और ये कनेक्टर भी है ना सारी जगहों से, ट्रैम, मोनोरेल, मेट्रो। वेट अद्दू, तो चलो चलते हैं भैया। अद्दू महाराज तो एकदम एक्सपर्ट टूरिस्ट लग रहे हैं ना। तो ये है मरीना मॉल, ये बहुत कम मतलब दो चार बार आए हम लोग इसमें, हैं ज़्यादा नहीं आए हम लोग इस मॉल में, खाली आए पार्किंग की वजह से कि पार्किंग लगा लेते हैं, नहीं तो वो भी ना आते। हाँ, ये कनेक्टर ज़्यादा है, मॉल कम है। हर जगह से कनेक्ट है यहाँ पे जाने के लिए और पार्किंग मिल जाती है। वाह, ये नज़ारा देखो अद्दू महाराज। हाँ ये देखो, भीगना मत अद्दू, मैं पहले से बता दे रही हूँ। ये देखो अद्दू, इसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ? ये देखो यहाँ पे क्रिसमस ट्री लगा हुआ है। देखिए हमारी गर्मा गर्म सब्जी, और ये चने थोड़े बॉईल किए थे मैंने, और यहाँ पे देखिए खजूर है, मस्त गुड़, मूंगफली, चना और दही और अद्दू। तो अभी हम लोग खाएंगे और इसमें मस्त रोटी बना के लाए हम लोग। खाना पीना खा के अद्दू को गर्मी लग रही है, जैकेट भर लिया है, अंदर रख लिया। हाँ जैकेट अद्दू, और फिर हम अभी हम लोग चल रहे हैं बोट की तरफ, बोट राइड के लिए। तो एक बार खा के हम लोग अभी रिचार्ज हो चुके हैं, एकदम फ्रेश लग रहा है ना, भूख लगी थी दोनों को एकदम अच्छे से। इधर चल रहे हैं, क्या मस्त व्यू है। हेलो अद्दू, हेलो महाराज, अद्दू की जय हो।
तो अभी हम लोग चल रहे हैं पाँच दिरहम का बोट राइड करने, तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। साथ में हम लोग चलेंगे, आप लोगों को भी ले चलेंगे और आपको भी एक्सपीरियंस पता चलेगा। बड़ी सुंदर सी बोट दिखाई दे रही, हम लोगों को नहीं पता कौन सी बोट है, लेकिन 5 दिरहम में यहाँ मरीना से ब्लू वाटर आइलैंड पहुँचाते हैं ऐसा मैंने सुना है। अभी बोट राइड में टाइम है तो ये लोग अपना कुछ कुछ खा रहे हैं। हम लोग एक सुपर मार्केट में सब कुछ लिए हैं, जूस और ये क्रोसॉन है, ये फेवरेट है स्ट्रॉबेरी वाला दू का, अंश का, और ये जूस है ठंडा, और क्या है ये चॉकलेट वाला, और ये है अगेन एप्पल पाई। क्या हुआ? हेलो दोस्तों, तो ये देखिए हम लोग टिकट लेके इंतजार कर रहे हैं और बच्चे लोग भी इधर उधर भाग रहे हैं, और ये ऐसी प्लेस है ना, आप जैसा कि देख ही पा रहे हैं ये पूरा गजब का नजारा है। और ये बड़ी सी बोट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये वाली बोट देखिए, ये वाली बहुत ही बड़ी सी बोट है जिसको बुक करके, और सब लोग मोस्टली बुकिंग है, जैसे इवनिंग में बर्थडे है, एनिवर्सरी है, जो भी है वैसा वाला बुकिंग जिसका है वो शुरू हो रहा है। और इसी वाली बुकिंग में हमने अपनी बुकिंग कराई है सिर्फ 5 दिरहम की, तो उसकी बड़ी खुशी हो रही है। देखते हैं वो बोट कैसी होती है, और वाटर टैक्सी खुला हुआ है पूरा ये बोट, यही हम लोगों की है क्या? नहीं वाटर टैक्सी लिखी हुई है, हो सकता है ये सेम RTA का ही है, ये देखो RTA का ही है। टिकट प्राइस 5 दिरहम का, और हम लोगों का टाइमिंग 4:45 है। देखो Yes, we are going. We are first, huh? पीछे देखते हैं कहाँ बैठना है। यही बोट है भाई, बोट के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए ये है बोट, तो ये देखिए यहाँ पे ये इतना स्पेस है, इतना देखिए, ये लोग भी आ रहे हैं अभी सभी लोग, और ये हम लोग अंदर आ गए। वाह यार, आगे बैठोगे? तो हम लोगों ने अपना आगे वाला सीट ले लिया है। स्टार्ट है तू? सुपरस्टार, अरे वाह, हवा बहुत तेज है बाबू, कैप वैप लगा लो। वाओ व्हाट अ व्यू, क्या मस्त व्यू है यहाँ से देखो। ये देखिए ब्लू वाटर आइलैंड की तरफ आ गए, पीछे मरीना मॉल से हम लोग बैठे थे और इधर हम लोग आ गए हैं। ये देखिए, और ये ब्रिज जो है, ये ब्रिज कनेक्ट करती है, वॉक करके भी लोग जा सकते हैं और बोट राइड भी ले सकते हैं। हाँ, तो ये जो सामने बोट दिख रही है, यहाँ से हम लोग उतरे हैं, यहाँ पे आए हैं सामने मरीना मॉल, उसी तरफ से अपोजिट साइड में हम लोग थे ना, वो बहुत अच्छा है, एक्टिविटी सब कुछ लगा हुआ है। किस तरफ चले, उस तरफ या इस तरफ? तो आई है, इस तरफ तो आई है।
चलो जी ये देखिए वन ऑफ द फेवरेट हम लोगों का डेस्टिनेशन दुबई में सभी का ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आने के बाद बहुत मजा आता है। तो पूरा एरिया ही जैसा कि आपने देखा पूरे दिन हम लोग, पूरे दिन नहीं फिर भी 2 बजे के बाद से हम लोग घूम ही जा रहे हैं। लगभग अभी 6 बजने वाले हैं, सनसेट हो गया है और बस उसके बाद घर जाएंगे। बहुत मजा आया। और आप लोगों को कैसा लगा? तो ये 5 दिरहम वाली बोट राइड का यही है कि बस इस तरफ आ सकते हैं और इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं, सेम मतलब प्राइस है दोनों तरफ का। तो इधर उधर करने के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ से आप वॉक करके भी जा सकते हैं, जैसा कि वो ब्रिज मैं बता रही हूँ। तो उस वाले ब्रिज पे जब जैसे जाएंगे ना, तो इस वाले ब्रिज से आप ये बीच पे जा सकते हैं, मरीना वाले बीच पे। और मेन रहने वालों के लिए जो यहाँ पे रेजिडेंस है उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है यहाँ पे आने के लिए। इस आइलैंड है ये अलग से, तो इसके लिए फैसिलिटीज दी गई है। नहीं यस, ब्लू वाटर आइलैंड लोग आए, मरीना वॉल तो वैसे भी दुनिया आती है। वाओ कितना अच्छा स्टेयर्स है ना। तो ये देखिए सेंटा के साथ हम लोगों ने फोटो भी ली और सेंटा यहाँ पे जा रहे थे, उनको रोक के थोड़ा सा हमने कहा कि फोटो ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकल गए थे। और ये देखिए मरीना मॉल रात का कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए मॉल ऑफ एमिरेट्स। जैसा कि मैंने बताया कि हर जगह हम लोग क्रिसमस ट्री जो लगी होती है ना उसको देखने आते हैं, तो मॉल ऑफ एमिरेट्स का इस साल का ये क्रिसमस ट्री है। तो अच्छा लगा था, डिफरेंट लगा था, पिछले मतलब कई सालों से अलग अलग लग रहा था और इस बार ऐसा लगा था। तो हर जगह का क्रिसमस ट्री देखना हम लोगों को शौक में शामिल है, हमेशा आते हैं देखते हैं। और ये देखो बॉल्स का डेकोरेशन अलग अलग से हुआ था। और मॉल ऑफ एमिरेट्स में ऐसे हमेशा तो हम लोग ऐसे ऊपर नहीं आते, मतलब मोस्टली हम लोग कैरी फोर सेंटर पॉइंट इधर ही जाते हैं, लेकिन ऐसे जब ट्री देखते ना तो स्पेशली हम लोग ऐसे इसका पूरा जो आर्किटेक्ट है बहुत ही अलग है, मॉल ऑफ एमिरेट्स बहुत सुंदर है। तो मैंने सोचा क्यों ना आई हूँ तो आपको भी दिखा देती हूँ। ट्री देखने के लिए हम लोग ऊपर आए थे तो ऊपर से ट्री देखे और भी सुंदर लग रहा था। यहाँ पर देखें तो इस तरफ हम लोग ज़्यादा नहीं आते, इसमें ज़्यादा ही हाई फाई ब्रांड्स हैं इस साइड में, तो जहाँ जो शॉपिंग करते हैं उसी तरफ जाते हैं, कैरी फोर की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो ये देखिए ट्री कितना सुंदर लगा हुआ है और मॉल ही बड़ा सुंदर लग रहा था मुझे। और मैंने कहा क्यों ना आपको भी दिखा दूँ। यहाँ पे भी वो लगा हुआ है स्टार्स, ये सब डेकोरेशन ऊपर ऊपर भी सब लगा हुआ है। लेकिन हर साल से ना पता नहीं, हर साल का आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाई, लास्ट ईयर गई थी मैं शायद, तो हर साल से थोड़ा सा कम था मॉल ऑफ एमिरेट्स में। जैसे हर साल बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा डेकोरेशन होता था और इस साल पता नहीं यहाँ पे तो सेंटा किधर ही बैठे होंगे, लगा नहीं कि सेंटा के बैठने की कहीं जगह है इधर। तो बस मॉल की ब्यूटी देखिए, मॉल ऑफ एमिरेट्स का आपको सैर करा दिया आज मैंने, टूर दे दिया। तो बस यही देखने के बाद हम लोगों को यहीं पे आदिल भी है तो आदिल भी जाना था और कैरी फोर तो आना ही है। और ये दुबई का सबसे बड़ा कैरी फोर है, तो यहाँ की भीड़ तो कोई बीट नहीं कर सकता, हर समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो यहाँ पे मैंने अद्दू का हैंड भी देखिए पकड़ लिया है कि इधर उधर भागेंगे तो खो जाएंगे कहीं पे। तो बहुत बड़ा है यहाँ पे, यही पे कैरी फोर है और बगल में सेंटर पॉइंट, दोनों आसपास में ही हैं। तो बस क्रिसमस की रौनक तो मतलब पूरी दुनिया में तो साल का सबसे बड़ा त्यौहार है ऐसा बोल सकते हैं, है ही मतलब। तो बस क्रिसमस की रौनक एकदम धूम पे है। ये देखिए सेंटा अलग अलग तरीके के कैरी फोर में। और यहाँ पे ना क्रिसमस से पहले ही मैंने देखा ऑफ़र भी लगे थे चीज़ों पे, जो भी आप शॉपिंग कर रहे थे मतलब मुझे लग रहा है 1 हफ्ते पहले से ही लग गए थे हर जगह पे क्रिसमस के जो भी डेकोरेशन थे उस सब उन सब सामान पे ऑफ़र लग गए थे। ये देखिए तो बस यही सब हम लोग देख रहे थे। और हम लोग तो हमेशा पीछे के साइड जाते हैं कि कुछ आउटडोर एक्टिविटी जो भी है, हमारा बारबेक्यू का कोई आइटम तो नहीं मिल रहा है तो वो ज़रूर हम लोग देखने एक बार चले जाते हैं, बोलते हैं ना नज़र मार लेते हैं। और ये टॉयज़ पे भी बहुत सारा डिस्काउंट आया हुआ था तो टॉय वाले सेक्शन में भी गए थे। तो बस इधर उधर देख के थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी जो होती है हमारी कैरी फोर की
वो सब लेके फिर हम लोग आ गए थे घर पे। तो ये देखिए इतना बड़ा सा डायनासोर है जिसको अद्दू ज़रूर देखते। मॉल ऑफ एमरेट वाला कैरीफोर बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है। तो बस यही था हमारा वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी, पूरा हम लोगों का दिन भर का तफरी कैसा लगा। इसके बाद हम लोग आदिल भी गए थे। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बस अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।